हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल वी नेचुरल खुशी। आज मैं आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप अपने बालों को बारगंडी कलर या रेड कलर करना चाहते हो, या फिर आपके बाल बहुत ज़्यादा वाइट हेयर की प्रॉब्लम है, तो आप अपने बालों को वाइट हेयर से छुटकारा भी पा सकते हो, प्लस आप अपने बालों में बारगंडी कलर भी पा सकते हो। सो कैसे पा सकते हो, मैं ये सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखाऊँगी, तो आप फुल वॉच कीजिएगा। और जिनके बालों में शाइनिंग स्मूथनिंग नहीं है, उनके बालों के लिए भी मैं बताऊंगी कि आपके बालों में शाइनिंग और स्मूथनिंग भी आएगी, और आपके बालों का हेयर ग्रोथ भी फास्ट हो जाएगा, और आपके हेयर में जो भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम होंगी, या फिर आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ रहते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीजी रहते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम आपके हेयर से रिमूव हो जाएंगे, और आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। घर बैठे आप ऐसा कर सकते हो, अपने बालों में कलर भी पा सकते हो, अपने बालों का देखभाल भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पे तेज़पत्ता। तेज़पत्ता सबके किचन में अवेलेबल होता है, उसको आप छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। फिर उसके बाद से हमने लिया है यहाँ पे फैब्रिक सीड, मतलब कि मेथी का दाना। मेथी का दाना आप ले लीजिए, ये भी सबके किचन में अवेलेबल होता है। तीसरी चीज़ हमने लिया है यहाँ पे कलौंजी। कलौंजी को आप ले लीजिए, ये भी सबके किचन में अवेलेबल होता है, खाने में भी यूज़ होता है, और इसका कई तरह का बेनिफिट होता है, तो इसको भी आपको ले लेना है। फिर इसके बाद से आपको लेना है सरसों का दाना। सरसों का दाना हमने इसमें इसलिए ऐड करा है ताकि हमारे सर्दी के टाइम में बालों में जो होते हैं ना, बेजान सी हो जाती है हमारी बाल, या फिर हमारे बालों में मतलब ऑयलपन की कमी हो जाती है, कभी हम ऑयलिंग नहीं करते, या फिर हमारे बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी रहते हैं, तो इसकी वजह से हमें थोड़ा सा देखभाल करना पड़ता है सर्दी में ज़्यादा। तो इसके लिए हमने इन सब चीज़ों को ले लिया है। और जिन लोग को नहीं पता है कि इनके क्या क्या बेनिफिट होते हैं, तो मैं उनको बता देती हूँ। सरसों से आपके बालों में मॉइस्चर बना रहेगा, मेथी से आपके बाल थिक होंगे, बहुत ज़्यादा घने भी होंगे। कलौंजी आपके बालों को वाइट नहीं होने देगा, आपके बालों का हेयर ग्रोथ भी करेगा और आपके बालों का देखभाल भी करेगा। फिर उसके बाद से हमने लिया है यहाँ पे जो तेज़पत्ता। तेज़पत्ता आपके बालों का हेयर ग्रोथ फास्ट करता है और आपके बालों में सिल्की शाइनिंग स्मूथनिंग भी बनाए रखता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पानी ले लेना है, और जो हमने इंग्रेडिएंट लिया था उन सारे इंग्रेडिएंट को ले लेना है, लेके उसके बाद से इसमें सब डाल देना है। डालने के बाद से उसको रख देना है उबलने के लिए। तो यहाँ पे हमने लिया है चुकंदर। अब जिनके बालों को बहुत ज़्यादा डार्क बरगंडी कलर चाहिए, तो वो घर पे भी अपने बालों को बरगंडी कलर कर सकते हैं और रेड कलर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है चुकंदर। चुकंदर को अच्छे से हम कद्दूकस कर लेंगे, या फिर चाहो तो छोटे छोटे पीसेस करके इसको मिक्सी जार में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। फिर उसके बाद से उसका जो जूस निकाल लीजिए। तो मैं यहाँ पे पूरा नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग बोर हो जाओगे, तो इसके लिए मैं यहाँ पे इतना दिखा देती हूँ। और इसका जूस निकाल के हम रख लेंगे। जब तक ये हमारा उबल रहा था, तब तक हमने कद्दूकस कर लिया है, और ये देख सकते हो हमने इन सब चीज़ों को अच्छे से डाल के इसको उबालने के लिए छोड़ दिया है। जब भी आपका मेथी दाना अच्छे से फूल जाएगा, फिर उसके बाद से आप इसको गैस का फ्लेम जो है वो बंद कर दीजिएगा। ऐसा आपके पानी जो होगा वो कलर जो ऐसा चेंज हो जाएगा, और इसके जितनी भी गुड़नेस है वो सारे इस पानी में आ जाएंगे। आपके बालों का जो देखभाल होता है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे आप अपनी स्किन में बहुत सी चीज़ें ऐसी अप्लाई करते हैं कि आपके स्किन पे लाइटनिंग रहे, ब्राइटनिंग रहे, वैसे ही आपको अपने फेस के लिए भी बालों के लिए भी करना होता है। तो यहाँ पे हमने लिया है निशा मेहंदी। आप जो भी मेहंदी चाहो वो ले सकते हो। फिर उसके बाद से हमने लिया है एक कंडीशनर। जिनके बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी हैं, उनके लिए मैं ये बता दूं कि आपको कंडीशनर लेना है। जिनके बाल फ्रीजी नहीं रहते, उसका वो टोनर से ही हो जाएगा, जो हमने टोनर ये बना के रखा है। तो जिनके बाल वाइट होते हैं, अगर ग्रे हेयर की प्रॉब्लम है, तो वो स्टील के बर्तन में इसका यूज ना करें। इसको आयरन के बर्तन में ही आपको बनाना होता है। आयरन के बर्तन से आपके बालों में जो आयरन जाएगा, उसकी वजह से आपके बालों का जो वाइट हेयर का जो प्रॉब्लम है वो दूर होंगी। कलौंजी आपके बालों को ब्लैक भी करता है और आपके बालों को अच्छे से नरिशिंग भी करता है। तो यहाँ पे हमने इस पानी को बना के निकाल कर रख लिया है। अब उसके बाद से हम बता दें आपको इसमें
बड़े बच्चे हैं तो उनको कुछ नहीं डालने का ज़रूरत है। अगर जो बहुत ही 12 साल से ऊपर के हैं उन लोगों के लिए, तो इसमें आप थोड़ा सा कस्टर्ड ऑयल या फिर नारियल का तेल, कोई भी तेल इसमें ऐड करके इसको स्प्रे वाले बॉटल में भर के रख लीजिए। इसको एक हफ्ते, 10 दिन या 15 दिन के लिए आप स्टोर करके रख सकते हैं, जितना क्वान्टिटी आप बना रहे हो। तो हम यहाँ पर 15 दिन या 10 दिन के लिए ही, ज़्यादा नहीं, इसको हफ्ते में आपको 2 बार ही यूज़ करना है या फिर 3 बार, बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना है। और लगाना कैसे है, आपको अपने स्कैल्प में लगाना है, फिर उसके बाद से नाइट में लगाइए, अच्छे से मसाज कीजिए। मसाज करने के बाद से इसको ओवर सुबह में धो लीजिए अपने बालों को। जिनको ऑयलिंग करना पसंद नहीं है उनके लिए बेस्ट सीरम जैसा हो सकता है अगर वो लोग अप्लाई करें तो। इसका रेगुलर अप्लाई करने से ही आपको इसका बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा और काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। सो ऐसे ही आपको स्प्रे बॉटल में भर के रख लेना है। सो चलते हम अपनी अगले रेमेडी की तरफ। तो यहाँ पर देख सकते हो हमने लिया है नीसा मेहंदी। नीसा मेहंदी आपके बालों को काफ़ी अच्छे से कलर करता है और आपके बालों का केयरिंग भी करता है। जैसा कि उसमें आपको पता होगा कि जो भी इंग्रेडिएंट होती है वो सारी जो होती है नेचुरल होती हैं। तो यहाँ पे हमने जो चुकंदर को कद्दूकस करके रखा था उसका जूस हमने निकाल कर रखा है ताकि आपके बालों में डार्क बारगंडी कलर आए और आपके बालों में रेड कलर भी आएगा। तो जिनको रेड कलर चाहिए वो केवल मेहंदी को अप्लाई करें, जिनको बारगंडी कलर चाहिए वो इसमें चुकंदर का जूस कर ले लें। फिर उसके बाद से आप जो हमने पानी बना के तैयार किया था उस पानी को आपको यहाँ पे ले लेना है और इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के इसको अच्छे से मिक्स करना है। जब भी आपका ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, मिक्स करने के बाद से आप इसको 2 घंटे के लिए रख दीजिएगा रेस्ट करने के लिए। जब भी इसका अच्छे से सारी इन्ग्रीडियंट अच्छे से मिल जाएंगे फिर उसके बाद से इसको आपको अपने हेयर पर लगाना है। लगाने का जो तरीका है वो मैंने और भी वीडियो में बता रखा है, आप चाहो तो वहाँ से जाकर देख सकते हो। बट इसमें मैं आपको इतना ही बोलूँगी कि आपके बालों में किसी तरह का कोई भी ऑयलिंग वगैरह नहीं होना चाहिए, जिससे कि आपके बालों में कलर जो है वो अच्छे से खिल गया है। जिस दिन आपको लगाना है उस दिन आपको शैम्पू नहीं करना, दूसरे दिन आपको शैम्पू करना है, और जिस दिन आपने लगाया उस दिन नाइट में आपको ऑयलिंग करना है।